बीएसपी के द्वारा जो ब्राह्मण सम्मेलन चलाए गए उनको बाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से दे दिया गया, और सतीश मिश्रा जी उसको लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जो जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? एक सवाल और आपसे, इसके बाद एक सवाल आपसे होगा। बीएसपी के द्वारा जो ब्राह्मण सम्मेलन चलाए गए उनको बाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से दे दिया गया, और सतीश मिश्रा जी उसको लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जो जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत लोगों ने सवाल उठाए, इसलिए मेरा सवाल। पहली बात, पहले तो मैं बसपा का मेंबर नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ, तो इंटरनल वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर टिप्पणी करना ये मेरा अधिकार नहीं है। मुझसे ज़्यादा बहन माया कुमारी जी को, बहन मायावती जी को ये पता होगा कि उनको किस तरह से काम करना है, किस तरह के सम्मेलन लगाने हैं। लेकिन एक जहाँ पर मेरी सभा हो रही थी वहीं पर ये ब्राह्मण सम्मेलन या प्रबुद्ध सम्मेलन जिसे कहा जाता है वो भी हो रहा था। देखिए, आप ब्राह्मणों, ब्राह्मण भी इस देश का वोटर है और आपके यहाँ पर वो मेजोरिटी में है, उसके भी वोट हमको चाहिए। एज अ पार्टी आपको उसके लिए भी पॉलिसी बनानी है, वो भी आपके योजना में शामिल है, तो उसके लिए भी आपको काम करना है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होना चाहिए, लेकिन अपने विचारधारा के साथ हमको समझौता नहीं करना है। मैंने बसपा के वो पोस्टर्स देखे, क्या नाम है वो, हथौड़ा लेकर या परशुराम जी की, शायद वो देखी होगी आपने, परशुराम एक तरफ परशुराम है और एक तरफ बाबा साहब है। या तो आप बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर काम कर सकते हो या तो परशुराम की विचारधारा के ऊपर काम कर सकते हो। सांप और नेवला एक साथ एक बिल में नहीं रह सकते, सांप और नेवला एक बिल में नहीं रह सकते। या तो परशुराम की विचारधारा पर काम करो या तो बाबा साहब की। मेरा 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 ये न्यूट्रल, मेरा ये व्यक्तिगत फीलिंग है, मैं ये मेरी फीलिंग है। मुझे बहुत वो बुरा लगा, एक तरफ जय परशुराम लिखा है दूसरी तरफ जय भीम, या तो जय भीम बोलो या तो जय परशुराम बोलो। जब जय भीम हो रहा है तो परशुराम की कभी इस देश में जय नहीं हो सकती। मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप इस तरह के मंच पे जो होर्डिंग दिखाई, ये बात मैंने कभी किसी मंच से नहीं कही, ये बात मैंने कभी किसी ना तो मेरे फेसबुक से कही, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। और मैं ये चाहूँगा कि ब्राह्मणों के वोट्स भी हमें चाहिए, लेकिन हमें अपने विचारधारा के साथ वहाँ से नहीं भटकना है, हमें अपनी विचारधारा से नहीं भटकना है। ब्राह्मणों के वोट्स चाहिए तो आप लगाओ ना हेमंत करकरे का फोटो, आप लगाओ जो गोविंद पानसारे हैं उनका फोटो लगाओ, वो भी तो ब्राह्मण है। आपको परशुराम क्यों चाहिए? गोविंद पानसारे नहीं चाहिए, हेमंत करकरे नहीं चाहिए, ये लोग महान। मेरे नज़र में परशुराम से भी बड़ा हेमंत करकरे है, गोविंद पानसारे हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, मेरे लिए सबसे बड़े हैं।